तो गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है डैडी कॉलिंग का आईडी जो है बैन हो चुका है। अगर आपको नहीं पता डैडी कॉलिंग कौन है, तो वो इंडिया का हाईएस्ट प्लेयर, हाईएस्ट लेवल प्लेयर है और वो कंसिस्टेंट ग्लोबल प्लेयर भी था, क्योंकि उसका आईडी अब बैन हो चुका है। और जब से डैडी कॉलिंग का आईडी बैन हो चुका है, तब से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर डैडी कॉलिंग ही चल रहा है। पर किसी को नहीं पता कि डैडी कॉलिंग का आईडी क्यों बैन हुआ है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्यों डैडी कॉलिंग का आईडी जो है बैन हो गया। और सारे लोग कह रहे थे कि डैडी कॉलिंग हैक यूज करता है, उसके वजह से उसका आईडी बैन हो गया, पर वो असल रीजंस नहीं है। और हम जानेंगे क्या डैडी कॉलिंग हैक यूज करता था। तो मैंने एक लड़के का वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहा था कि डैडी कॉलिंग का जो लेवल और रैंक जो है हाई, मतलब एकदम स्पीड से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो गरीना को उस पर शक हुआ और उसने डैडी कॉलिंग का आईडी बैन कर दिया। लेकिन सीआईडी और गरीना शक के आधार पर कोई एक्शन नहीं लेता, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। तो चलिए बढ़ते हैं पहली पॉइंट की तरफ, जिसके वजह से जो है डैडी कॉलिंग का आईडी जो है बैन हो सकता है, बैन हुआ है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो डैडी कॉलिंग का आईडी था, एक्चुअली में वो उसका आईडी नहीं था, उसने किसी और से वो आईडी परचेस किया था। और अगर उसके परचेस करने से पहले उस आईडी में हैक और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज हुआ होगा, जिसके वजह से भी उसका आईडी जो कि है बैन हो सकता है। लेकिन डैडी कॉलिंग का ये दावा है कि उन्होंने जो परचेस करने के बाद कोई भी हैक और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं किया है। और अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जिसके वजह से डैडी कॉलिंग का जो आईडी है वो बैन हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि भाई ग्लोबल में जाने के लिए भाई एक बंदा खेल के कभी नहीं पहुंच सकता, डैडी कॉलिंग का जो आईडी है वो बहुत सारे लोगों के पास हुआ है, जो कि डैडी कॉलिंग ने अपने आप से बताया है। और अगर डैडी कॉलिंग अपना आईडी, फ्री फायर का आईडी जो है वो रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो सबसे पहले उनका आईडी का लोकेशन ट्रेस किया जाएगा, जो कि कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी मुंबई में दिखाएगा, जिसके वजह से डैडी कॉलिंग को एक डिसएडवांटेज और मिल जाएगा, जिसके वजह से उनका आईडी जो है वो वापस नहीं मिल सकता। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो इंडियन सर्वर के एम्प्लॉयज है, उनका काम नहीं है कि वो हैकर्स के आईडी को बैन करे, वो बैन सीधा होता है सिंगापुर के सर्वर से। और इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, अगर वो भी इंडियन फ्री फायर के जो इम्प्लॉयर्स है उन पर दबाव देते हैं कि डैडी कॉलिंग का आईडी जो के वापस लिया जाए, तब भी वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर डैडी कॉलिंग ने कभी भी अपने आईडी पर हैक या फिर थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होते हैं, जिसके वजह से आपको मतलब फ्री में जो डायमंड्स और इलाइट पास के कपड़े सिर्फ आपको दिखते हैं और को नहीं दिखते, वैसे यूज़ किया होगा, तो उनका आईडी बैन, जो बैन हुआ हुआ आईडी है वो वापस नहीं आ सकता। तो ये थे कोई रीजंस जिसके वजह से डैडी कॉलिंग का आईडी जो है बैन हुआ है। और अगर मेरे से कोई भी रीजंस जो है मिस हो गया है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपको फ्री फायर कम्युनिटी के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।